दोस्तों जय श्री राम। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या पुलिस और क्या प्रशासन, सब असमर्थ है इस ऑटो जाम के लिए। ये ऑटो जाम बदरपुर क्षेत्र की कैंसर की बीमारी, यहीं से हमारे सांसद साहब, विधायक साहब, पार्षद साहब सबकी गाड़ियां यहीं से गुजरती हैं और यहीं से होकर सब जाते हैं, लेकिन इसका समाधान कोई नहीं निकालता। वो समाधान क्यों नहीं निकलता ये समझ नहीं आता। लालच किसको है, पैसा किसके घर में जा रहा है। ये आगे रोड बिल्कुल खाली, सामने ऑटो जाम लगाकर खड़े हुए हैं, अतिक्रमण पूरा जोरों पर। सालों से बीमारी है यहाँ की, समाधान कुछ नहीं, किसी के पास नहीं। क्या विधायक जी निकलते हैं उनको परेशानी नहीं होती, उनकी गाड़ी नहीं फंसती? सांसद साहब निकलते हैं, उनकी गाड़ी नहीं फंसती? अब वो चुप क्यों हैं, आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जनता इसके ऊपर परेशान, बेचारे गरीब आदमी फंसे हुए, स्कूल के बच्चे फंसे हुए, शाम को पब्लिक फंसी रहती है, सुबह शाम तक नौकरी कर थका हुआ आया आदमी इस जाम में फंसा रहता है। ये देखिए बेचारा कोई मरीज एम्बुलेंस में फंसा रहता है, स्कूल के बच्चे अपनी कैब में फंसे रहते हैं, लेकिन नेताओं को कोई लेना देना नहीं, प्रशासन को कोई लेना देना नहीं। ऐसा क्यों दोस्तों, समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, इस बार जवाब दिया जाए, जैसे ही इस बार कोई भी नेता, विधायक, सांसद आपके द्वारे पर वोट मांगने आए तो उसको ये फोटो जरूर दिखाया जाए कि 5 साल में आपने बदरपुर क्षेत्र के लिए इस मेन समस्या का समाधान किया तो सफल क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इसका जवाब उनसे वोट देते टाइम पर जरूर मांगे। इसका यही एक समाधान है कि नेताओं को उनकी करनी का फल दिखाया जाए। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम। कोशिश करें इस बार इसका समाधान निकालने की।